राजनीति लोग करते रह रहे हैं। क्या कोई जनता का कल्याण हो रहा है क्या, कि जनता का कोई विकास हो रहा है क्या? चाहे बिहार की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, बड़ी बड़ी जो है कि लंबी लंबी बातें कर रही है, लंबी लंबी बात कर रहा है, नया नया सिद्धांत की बात हो रही है, नए नए नियम की बात हो रही है, और खोदा पहाड़ निकली चुही है। बिहार में विकास नहीं हो रहा है? बिहार में विकास होता तो यही हाल होती। चमकी जैसा छोटा सा बीमारी में बच्चे जो है कि सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं, और उसके कहने का मतलब ये कि मंत्री जो हैं ये स्कोर पूछते हैं, केंद्रीय मंत्री जो है कि स्वास्थ्य मंत्री बिहार में आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। आपके भी तो विपक्ष नेता नहीं है? विपक्ष के नेता, अरे यही इसका उत्पादन का इसका खुलासा करने वाला कोई अगर नेता है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिन्होंने जिनके कहने पर पहली बार मुजफ्फरपुर का दौरा राष्ट्रीय जनता दल रामचंद्र पूर्वे जी के नेतृत्व में गया और इसका खुलासा करने का काम हुआ लगातार, और लगातार विधानसभा में विपक्ष जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहे नहीं रहे, लेकिन विपक्ष और हम लोग मिल कर करके हमेशा, कभी हम लोगों ने इतिहास बनाया है जो विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री को हम लोगों ने सवाल तक उनसे पूछने का काम नहीं किया, ना उनके सवाल को सुनने का काम किया और बहिष्कार करते रहे। आरजेडी के लोग सपना देख रहे हैं, उनके पास अब कोई चारा नहीं है। जितनी बड़ी पराजय लोकसभा चुनाव में हुई है उसके बाद अब उनको इसी पर आशा टिका हुआ है कि अब NDA में टूट होगी तभी हमको कुछ फायदा होगा, लेकिन उनका सपना सपना रह जाएगा और ये होने वाला नहीं है। कुछ विषयों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग ही विचारे हैं, लेकिन फिर भी हम देश और बिहार के हित के लिए और विकास के लिए हम साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। बहुत मजबूती के साथ हमारी NDA की सरकार चल रही है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में। क्राइम वगैरह बढ़ता जा रहा है, लूट हत्या अपहरण सरकार में हो रहे हैं लगातार, तो ये कैसा विकास है, कैसी सरकार? हम नियंत्रण कर रहे हैं सारे चीज़ों पर, हम अपराध पर भी नियंत्रित कर रहे हैं लगातार, मुख्यमंत्री उसकी समीक्षा बैठक कर रही है, आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, DIG IG तक के स्तर को अनुमंडल स्तर पर जाकर और उनको रात्रि विश्राम करने का उन्होंने लोगों को कहा है, SP थाने तक जा रहे हैं और थानों में बैठ कर करके समीक्षा कर रहे हैं, DIG खुद घूम रहे हैं, जिले जिले जा रहे हैं और हर बात की समीक्षा कर रहे हैं। तो हम अपराधी अपराध कर करके कोई बच नहीं पाते हैं, अपराधी अगर अपराध कर भी लेते हैं तो कानून के शिकंजे में होते हैं, प्रशासन के लोग मुस्तैदी से अपराध को नियंत्रित करने के लिए असामाजिक तत्वों पर उसको कैसे हम दुरुस्त कर सके इस पर काम कर रहे हैं।